आज हमने परचेज किया है अपनी वीडियो की अच्छी क्वालिटी देने के लिए GoPro 9। ये हमें 30,000 रुपये का पड़ा है, पूरा सील पैक बंडल लेके आए हैं ख़रीद के। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है बंडल, पूरा डिब्बा कुछ इस टाइप का है। और ये बिल्कुल सील पैक है, इसमें सील देख सकते हैं नीचे किस तरह से सील लगी हुई है। अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। ये देखिए, बिल्कुल सील पैक है, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ से सील खोलते हैं इसकी, ये देखिए, ये इसकी सील यहाँ से खुल गई। अब खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या सामान इसके अंदर है। ठीक है, ये पूरा बंडल खुला, ये बंडल कुछ ऐसे दिखता है, ये बंडल हमने खोल लिया। ये बंडल खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, उसकी चैन खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा बंडल है जो दिखता है इस तरीके से, पूरा कवर में लगा है। खोलते हैं इसको, चैन खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या सामान में मिलता है। तो ये देखिए, ये है हमारा GoPro, इसमें क्या क्या मिलता है देख सकते हैं आप। इसमें मिलती है कुछ मैनुअल्स पढ़ने के लिए, बुक्स टाइप की देख सकते हैं आप, उनको थोड़ी देर में पढ़ते हैं अभी हम। ये सब्सक्रिप्शन टू GoPro फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, चलिए थोड़ी देर में देखते हैं मेन क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहले तो इसमें डाटा केबल दे रखी है, सबसे पहले देखिए डाटा केबल है जो कि इनकी इसमें कनेक्ट करने के लिए होगी। ये एक स्क्रू दिया है इन्होंने इसके अंदर, इससे हम इसे माउंट कर सकते हैं कहीं पे। ये माउंटिंग के लिए मैंने ये चीज़ दी है, देख सकते हैं। और एक दिया है इन्होंने ये बैटरी, ये इसकी बैटरी है, और ये भी शायद कुछ चिपकाने के लिए कुछ है। अभी इसे यहाँ रख देते हैं। अभी ये रही बैटरी, और ये रहा हमारा मेन चीज़, ये है GoPro। अच्छा खासा वेट है इसके अंदर, आप देख सकते हैं हैवी है, पकड़ने पता चल रहा कि कुछ क्वालिटी है हाथ में, बहुत ही हैवी है। चलिए खोलते हैं इसको, हम देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये हमने खोल दिया इसको, यहाँ पे ये कुछ ऐसा खुला, ये देखिए किसके आगे लगा हुआ है ये स्क्रीन, एक स्क्रीन कुछ इस टाइप की लगी हुई है, इसे भी खोल देते हैं। और ये देखिए, इसे भी हमने खोल दिया, और ये हमारा GoPro हमारे सामने है। यहाँ पर है कि ये पावर का बटन, इसे दबाया और छोड़ दिया, GoPro Hero 9 ब्लैक। अभी चलेगा नहीं, वजह अभी हमने बैटरी नहीं डाल रखी है, तो इसमें बैटरी डालते हैं, देखते हैं बैटरी कैसे डलती है। ये हमारा GoPro है, अब इस GoPro में सबसे पहले डालते हैं बैटरी। इस बैटरी को डालने के लिए हल्का सा पहले इसको उठाएंगे, हल्का सा इसको उठाना है, हल्का सा उठाते ही इस तरह हुआ, खोल दिया इसको यहाँ पे। खोलने के बाद बैटरी लिया, इस बैटरी को लिया और इस बैटरी को इसमें इस तरह से इंसर्ट कर दिया। देख रहे हैं आप, पेजेस देख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं आपको। आपने बैटरी लेनी है और सिंपल इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये GoPro है, GoPro खुल चुकी,
कवर खुल चुका। अब यहाँ से बैटरी लिया, बैटरी को उस तरह लिया और बिल्कुल सिंपल आराम से इसे इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट हो गई, मतलब आते ही बंद कर दीजिए और देखिए ये आपकी बैटरी लग गई इसमें। इसको स्टार्ट करते हैं, ये देखिए स्टार्ट हो गई GoPro और देखिए क्वालिटी वाकई में बड़ी बेहतरीन है। अभी छोटी सी स्क्रीन है लेकिन इसे स्क्रीन के अंदर अपने कैमरे की स्क्रीन में देख रहा हूँ अंतर, वाकई में बहुत ही अंतर है। और इसको स्टाइल यूज़ करते हैं इसको हम, ओके ठीक है ओके। अब उसकी मेन मेन चीज़ें करते हैं, जो सेटअप है वो करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अब ये देखिए हमने सेटअप कर दिया और अब हमारा GoPro वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट है। इससे बहुत अच्छे फंक्शन हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड 1080 60 वाट देख सकते हैं आप, और भी उसे देख सकते हैं स्टैंडर्ड एक्टिविटी 2.7K 60 फ्रेम, क्लाइमेट शॉट 4K 30। स्लो मोड भी है, सिनेमैटिक वो भी हैं, यानी कि 4K रिकॉर्डिंग इसमें बड़े आराम से हो सकती है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हम देखते हैं किस तरह से बनती है इसके अंदर, अभी थोड़ी देर आपको देख के बताते हैं। हमने अपने GoPro के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं सैंडिस्क का एक्सट्रीम प्रो कार्ड, इसका साइज़ है 64 GB। इसमें वैसे बताते हैं कि 128 GB तक बड़े आराम से लग जाता है, 256 भी लग जाता है लेकिन उसमें थोड़ा हैंग होने लगता है, लेकिन 128 और 64 GB इसके लिए सफिशेंट है। तो देखिए अभी हम इसमें इंसर्ट करते हैं इस कार्ड को, और ये कार्ड किस तरह इंसर्ट होगा ये भी मैं आपको शो करता हूँ। ये हम अपने GoPro के लिए गए हैं सैंडिस्क का कार्ड, देख सकते हैं आप एक्सट्रीम प्रो 4K UHD, ये लगभग 1000 रुपये का कार्ड पड़ा हमें। अब इसको GoPro के अंदर, ये कार्ड है हमारे पास, इस कार्ड को भी हम यूज़ कर रहे हैं GoPro में इंसर्ट करने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे को अपना SD कार्ड मिल जाता है। ये इसका अडाप्टर है जिसमें ब्लैक कलर का अडाप्टर है, ताकि इसमें इस कार्ड को इंसर्ट करके आप अपने लैपटॉप में लगा सकें या फिर अपने कंप्यूटर में कार्ड रीडर के थ्रू इसे यूज़ कर सकें। तो आइए इसको, अब हमने अपने GoPro की बैटरी इसमें से बाहर निकाल दी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा, ये देखिए यहाँ पर छोटी सी जगह बची हुई है, यहाँ पर इंसर्ट होगा आपका कार्ड। ये देखिए इस कार्ड को लिया, सिंपल लिया और इसमें लगाने के बाद हल्का सा प्रेस कर दिया, प्रेस करते ही देखिए वो अपनी आप जगह बना लेता है, बिल्कुल एक्यूरेट जगह बना लेगा वो अपनी। फिर आप अपनी बैटरी को लीजिए, इसे सिंपल उठाइए, लगाइए इसको सिंपल, देखिए अगर गलत तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे कभी नहीं लगेगी, जिस जो उसका सही तरीका उसी तरीके से लगेगी। देखिए अपने भी डाला, सिंपल चली गई आराम से अंदर, ये देखिए इसको फिर ऐसे ही किया, यहाँ से लगाया हमने, हल्का सा इसको ऊपर किया, ये बंद हुआ, इसे ऊपर करने के बाद फौरन इसको हम इसको बंद कर देंगे, ये देखिए ये बंद हो गया। अब आपका केस पूरा का पूरा कवर्ड हो गया, देख रहे हैं आप। तो हमने स्टार्ट किया इसको, ये लीजिए स्टार्ट हो गया हमारा कैमरा, ये देखिए अगर हम करना चाहते हैं इसको रिकॉर्ड, अभी बैटरी ख़त्म है तो अभी हमें रिचार्ज भी करना होगा इसको, तो अभी इसको चार्ज करते हैं, फ्रंट की वीडियो भी चलती है इसमें, ये देखिए
ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें फ्रंट भी अपनी चेहरा देख सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि बैटरी ख़त्म है, देखिए रिकॉर्डिंग कर रही है स्लो मोशन में, ये देखिए, लेकिन क्वालिटी वाकई में बहुत बढ़िया लग रही है इसमें, जिस तरह से क्वालिटी देख रहा हूँ मैं फ़ोन के अंदर और इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लग रही है। इसके बारे में जो कुछ भी होगा मैं आगे चल के आपको और बताता हूँ। अगर आपको गोप्रो को चार्ज करना हो तो बहुत ही इजी है। गोप्रो के साथ यहाँ पर पीछे खोला इसके कवर को, और यहाँ पर जो वायर आती है यूएसबी केबल इसके साथ आती है, इसको किसी भी अडाप्टर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास वीवो का फ़ोन है, मैं उसके अडाप्टर के अंदर इसको लगा देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको फिट करूँगा ये चार्ज होना शुरू कर देगा, क्योंकि GoPro के साथ कोई भी चार्जर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ USB केबल आती है जिसके थ्रू इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसको चार्ज कर, ये देखिए मैंने सिंपल इसको चार्जिंग पे लगाया है, और देखिए मैं चार्जिंग पे लगाते ही फौरन सिंपल ये चार्ज होना शुरू हो गया। देखिए ये देखिए, जैसे चार्ज होना शुरू करेगा तो आप देख सकते हैं इसकी लाइट चालू हो चुकी है, जो इंडिकेट करता है कि ये चार्ज होना शुरू हो चुका है। तो लगभग हम इसे एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म थी इसकी, एक घंटे के अंदर अंदर ये चार्ज हो जाएगा। और देखिए ये आपके पास अपने आप ही खुद ही लाइट जल जाती है इसमें, देखिए जिससे दिख रहा है कि ये चार्ज हो रहा है इसमें। बहुत ही हैवी कैमरा है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही हैवा है, और कैमरा बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही हैवी है। हाथ में पकड़ के पता चल रहा है कि वाकई में कुछ सॉलिड चीज़ पकड़ रखी है, क्वालिटी वाकई में अच्छी देख रहा हूँ मैं। अभी चार्ज होता है, उसके बाद वीडियो बना के देखते हैं कि किस तरह की वीडियो इसके अंदर बनती है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ GoPro से, और ये देखिए GoPro की क्वालिटी देखिए, पूरा पानी भी वो रखा है। ये देखिए मेरा GoPro चल रहा है और पूरा पानी भी वो रखा है मैंने इसको, देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा पानी भिगो रखा है मैंने इसको, ये देखिए। देख सकते हैं चालू है ये देखिए चालू है बिल्कुल, ये मैंने चालू कर रखा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। इसका वाटर टेस्ट कर रहा हूँ कि पानी में बरसात में अगर इसे यूज़ करते हैं तो कभी ख़राब होने का चांसेस रहता है कि नहीं, और ये देखिए A1 चल रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है आप देख सकते हैं। अभी मैं GoPro को चला रहा हूँ पानी के अंदर बरसात में, और देखिए क्या बढ़िया क्वालिटी आ रही है, बहुत तेज़ बरसात है देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए क्या बढ़िया क्वालिटी है, आज कर रहा हूं मैं इसका कैमरे का टेस्ट GoPro का, देख सकते हैं पानी में, आप देख सकते हो चालू है कैमरा, अभी लगातार उसकी लाइट ब्लिंक कर रही है,
ये देखिए कितनी बरसात हो रखी है और मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ अभी। ये देखिए कितना पानी बरसा है। ये देखिए क्या हालत हो रखी है पानी की, हर तरफ पानी भरा हुआ है। नहीं तो मुझे नहीं बताया मैंने उनको। क्या बात कर रही थी? ऐसे मिल गया बंदा, मैं एनसीसी कर रहा हूँ। लड़का अच्छा लगा मुझे, खुश हो गया, बढ़िया बंदा, इज्जत करी, दिल से मिला। सस्ता दो क्या हालत रखी है। पकड़ी रहा।